विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। खुद मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जगह जगह तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अनुपम राजन ग्वालियर के MLB कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम पहुंचे, जहां अनुपम राजन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे राजनीतिक दलों से व्यवस्थाओं की संतुष्टि को लेकर बातचीत की। इसके अलावा स्ट्रांग रूम से EVM को मतगणना कक्ष तक लाने की व्यवस्था का भी जायजा उन्होंने लिया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुरक्षा के लिहाज से स्क्रीन लगी हुई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिले की 6 विधानसभाओं के लिए 12 कमरे तैयार किए गए हैं। इस लिहाज से हर विधानसभा के लिए 2 कमरे रहेंगे जिनमें मतगणना होगी। संख्या के हिसाब से 14 से लेकर 21 तक टेबलें लगाई गई हैं। जहां जहां पोस्टल बैलेट ज्यादा है वहां पर उसके लिए भी टेबल बढ़ाई गई है। इसका फायदा ये होगा कि इसका परिणाम भी जल्द आ जाएगा। आज ग्वालियर के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और जो काउंटिंग की व्यवस्था है वो देखी। स्ट्रांग रूम में जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी चर्चा हुई। स्क्रीन लगी हुई है, सारे स्ट्रांग रूम के दरवाजे उनको दिख रहे हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था पे संतोष व्यक्त किया, अच्छी बात है। और उनके साथ हमने फिर सारे स्ट्रांग रूम्स देखे, सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों का फीड बाहर स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जहाँ पे राजनीतिक दलों के लोग हैं और वो उसको देख पा रहे हैं लगातार। तो व्यवस्था से पूर्णतः वो संतोष दिखाई दिए। काउंटिंग सेंटर में भी हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 2 हॉल हैं, 2 कमरे हैं। एक तो मतदान केंद्रों की संख्या के हिसाब से टेबल बढ़ाए गए हैं, कई जगह 21 टेबल से हम काउंटिंग कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट की संख्या के हिसाब से पोस्टल बैलेट के टेबल्स की भी संख्या बढ़ाई गई है। पोस्टल बैलेट जहाँ ज़्यादा हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए ज़्यादा टेबल रहेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमको परिणाम थोड़ा जल्दी मिलेगा और अनावश्यक विलंब नहीं होगा। काउंटिंग में जो लोग लगे हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई है, लगातार उनको ब्रीफ भी किया गया है, तो सारी व्यवस्थाएँ ठीक हैं और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बिल्कुल तैयारी है और उम्मीद है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से और सही समय से अच्छे तरीके से होगा। ये अधिकारियों को काउंटिंग के संबंध में जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं, बता चुके हैं, और भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी कलेक्टर से एक राउंड चर्चा हो गई है। एक बार और हम लोग 30 तारीख को करेंगे। दिल्ली से भी जो अधिकारी हैं वो लगातार कलेक्टर्स के संपर्क में हैं और उन्होंने भी एक VC रखी, वो भी बातचीत करेंगे। तो जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के होते हैं उन लोग कलेक्टर्स को बताते हैं और उनके माध्यम से वो नीचे फिर जो काउंटिंग में लगे लोग हैं या जो दूसरे अधिकारी हैं उन तक वो बात पहुंच जाती है। इस दौरान उनके साथ संभागीय कमिश्नर, ADG, कलेक्टर और SP सहित निर्वाचन ड्यूटी से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने मतगणना की तैयारियों से जुड़े कुछ आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।